पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में पहली बड़ी गिरफ्तारी। नैब ने साबिक एमपीए कैसर अमीन भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। कैसर अमीन भट्ट पैरागोन सोसाइटी के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे और पार्टनर भी थे। जराए आशियाना इकबाल स्कैंडल, नैब की दो रोज के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने फवाद हसन फवाद का 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। पुलिस एहलकार पेशी से वापसी पर बगैर हथकड़ियां लगाए फवाद हसन फवाद को जेल ले गए। अदालत ने अहद चीमा, बिलाल कुदवाई, इम्तियाज हैदर, शाहिद शफीक, इसरार सईद और आरिफ बट का 15 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अजलास में शदीद हंगामा आ रहा। लीगी चेयरमैन मोहम्मद बाबर के जानब से इमरान खान को चोर कहने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर अफीर सदीकी की नामुनासिब अल्फाज हजफ करने की इस्तदा की। स्पीकर नजीर खान सवाती ने इस्तदा पर कान न धरे। अपोजिशन और हुकूमती पंजों से नारेबाजी। हर रोज बलदियाती निजाम को लपेटने की बात की जाती है। यूसी चेयरमैन चौधरी तारिक महमूद ने बलदियाती इदारों के तहफ्फुज़ की करारदाद पेश कर दी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 21वां इजलास, अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी। सिर्फ दो डिप्टी मेयर इजलास में मौजूद, कई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी ना पहुंचे। कवातीन अराकीन की भी कम शिरकत, जो आई वो सेल्फियों में मगन नजर आई। लेफ्को इकबाल टाउन डिवीजन के मुलाजमीन के एक्सीएन के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन ने काम बंद कर दिया। एक्सीएन बशारत बशीर का रवैया हत्तकामेज। गालम गलोच करना मामूल बन गया, मुजाहरीन का इल्जाम। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में कब्जा माफिया के शिकंजे में जमीनों के अदाद शुमार जारी कर दिए। महकमे माल की 31,000, एलडीए की 636 कैनाल अराजी पर कब्जा। महकमे जंगलात की 280 कैनाल अराजी पर कब्जा माफिया के निर्गे में। वजीर आला पंजाब ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन को एक माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। रेलवे के 3,62,449 कैनाल अराजी पर कब्जा माफिया का राज। रेलवे की रिपोर्ट पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दो कमेटियां तश्कील दे दी। रेलवे की तमाम अराजी को पूरा करने के लिए कमेटियां अपनी सतह पर अमल दरामद करवाए। शहर को तजावजात से पाक करने के लिए ऑपरेशन। 2,000 से ज्यादा तजावजात पर सुर्ख निशान लगा दिए गए। कल से सफाया शुरू। सबसे पहले दाता गंजबाग, शालामार जोन, सब्जाजार, अनारकली, लेडी वेलिंगटन रोड और उर्दू बाजार में ऑपरेशन होगा। मेयर, डिप्टी कमिश्नर और डीजीएलडीए कयादत करेंगे। वजीर आला भी ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी दे चुके। हेलमेट की पाबंदी की खिलाफ वर्जी। एक हफ्ते में 50,000 के करीब लाहौरिये चालान कटवा बैठे। 24 सितंबर को शुरू होने वाली मुहिम जारी। हेलमेट ना पहनने पर आज भी सैकड़ों चालान। हेलमेट ना पहनो तो फंसो, इशारा तोड़ो तो गाड़ी बंद। आम शहरियों के हो रहे हैं रोजाना सैकड़ों चालान, लेकिन कानून के रखवाले खुद ही बेलगा। एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार, हेलमेट भी नहीं पहना, इशारा भी तोड़ा। मॉल रोड पर कानून के खिलाफ वर्जी के फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। ई चालान के तहत होने वाला जुर्माना कहां जमा करवाएं, शहरी परेशान। पंजाब बैंक में ई चालान का अकाउंट ही फाल ना हो सका। 25,000 चालान के जुर्माने की रकम वसूल ना हो सकी। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने जुर्माने की तारीख में तौसी कर दी। साबिक चेयरमैन मथरूका वक्फ अमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के केस पर समाप्त। एहतसाब अदालत ने केस पर समाप्त 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आसिफ हाशमी पर गुज़श्ता समाप्त पर फर्द जमायत की गई थी। फैसलाबाद से लाहौर से फैसलाबाद के लिए नई नॉन स्टॉप ट्रेन शेख रशीद ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर इफ्तिताह कर दिया। वजीर रेलवे का 100 रोज में 10 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान। पुलियों की पुरानी वर्दी बहाल करने का हुक्म। गफलत बरतने वाले अफसर को मुआफ नहीं करेंगे। रेलवे पटरी की हिफाजत ना करने वाला डीएस मुअत्तल होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद के प्रेस कॉन्फ्रेंस।
سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی بیٹی فضا گیلانی کی بیٹے کی گارڈینشپ کی درخواست مسترد بچہ ابھی چھوٹا ہے ماں اکیلی گارڈین نہیں ہو سکتی ماں باپ دونوں کے حقوق حاصل ہیں فیملی عدالت فضا گیلانی کی شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے ملت پاک انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی چند روز قبل اغوا ہونے والی خاتون بازیاب اغوا کار محمد اشرف اور گل شیر عرف گلو کو گرفتار کر لیا گیا سات سالہ شہری کو 18 سال بعد پرانا جیون ساتھی دوبارہ مل گیا محمد ایاس نے سال 2000 میں ارشاد بی بی کو طلاق دے دی ارشاد بی بی نے بھی 2005 میں دوسری شادی کر لی دوسرے شوہر کی وفات پر ارشاد بی بی نے اب محمد ایاس سے دوبارہ کورٹ میرج کر لی صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال محمد اجمل چیمہ نے محکمہ سوشل ویلفیئر میں بھرتی 180 معذور افراد کے تربیتی کورس کا افتتاح کر دیا تربیتی کورس کے پہلے سیشن میں جسمانی طور پر معذور افراد کو ٹریننگ دی جائے گی ٹریفک قانون سے آگاہی کے لیے واک سی ٹی او کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت کے اسکول کے بچوں کے ہمراہ شرکت شہریوں میں ہیلمٹ کی پابندی کے حوالے سے پیفلٹ تقسیم کیے ٹریفک قوانین سے آگاہی واک یو ای ٹی میں جدید سیرامکس ٹیکنالوجی پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد غیر ملکی ماہرین نے تعلیم کی بھی شرکت کنگ فہد یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عباس سعید نے خصوصی لیکچر دیا 10th انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول شروع افتتاح وزیر تعلیم مراد راس نے کیا فیسٹیول میں 29 ممالک کی 72 فلمیں دکھائی جائیں گی فیسٹیول 6 اکتوبر تک جاری رہے گا پاکستان کی پہلی بلائنڈ ویمن کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا چیئرمین پاکستان بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل نے ٹیم کا اعلان کیا آسٹریلین ہائی کمشنر بھی موجود تھے پی سی بی گرلز سکولز کرکٹ ٹورنامنٹ میں طالبات کے چوکے چھکے شاندار پرفارمنسز کا مظاہرہ ٹورنامنٹ میں 16 سکولز کی ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی اور ایشیا کپ میں ٹیم سے ڈراپ کیے جانے والے آل راؤنڈر محمد حفیظ کی سنی گئی آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا